हाई सो आई होप पॉइंटर्स को लेके चीज़ें क्लियर हो रही हैं राइट सो बस एक दो छोटी छोटी चीज़ें हमारी रह गई हैं सो वो फटाफट से कवर कर लेते हैं सो पॉइंटर्स हमारा मोरलेस विल बी डन विद इट थ्योरी पढ़ के तो किसी कुछ होता नहीं है प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद विल से कि विल बी डन विद इट सो विल डू अट ऑफ प्रैक्टिस बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाइज हमारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं सो फटाफट से वो देख लेते हैं सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट डिस्कस इन दिस सेशन इज हाउ डज पॉइंटर्स एंड फंक्शंस वर्क टूगेदर पास एक फंक्शन है मैं फंक्शन को एरे भेज पा रहा था मैं फंक्शन को इंटीजर भेज पा रहा था मैं फंक्शन को कैरेक्टर डबल सब कुछ भेज पा रहा था क्या मैं फंक्शन को पॉइंटर भेज सकता हूँ एंड अगर मैं पॉइंटर भेजूंगा तो कैसे वर्क करेगा वो एग्जैक्टली exactly क्या चल रहा चीज है ठीक so, है सो लेट्स क्विकली सी ठीक है सो लेट्स क्विकली मेक अ फाइल फंक्शंस एंड लेट है फंक्शन एंड आई प्रिंट दियर पॉइंटेड बाई दिसंटर सो डी रेफरेंस करके वो प्रिंट कर देता है बस और कुछ नहीं था सो एक फंक्शन है जो तुम्हें बोल रहा है पॉइंटर दे दो तो मुझे पॉइंटर दे दोगे मैं उसको डी रेफरेंस करके उसके रेस्पॉन्डिंग जो भी इंटीजर होगा उसको प्रिंट कर दूंगा ओके ग्रेट नीचे एक बनाते हैं एड्रेस ऑफ़ आई एंड लेट्स कॉल प्रिंट ऑन पी इट्स एज सिंपल इज दैट जैसे हम इंटीजर पास कर सकते थे तो हम इंट पी लिखते थे ऐसे ही हम पॉइंटर पास कर सकते हैं और हमने इंट स्टार पी लिख दिया है दैट्स इट और कुछ नहीं है ठीक है ऑसम awesome है सो लेट्स रन दिस एंड हमारा प्रिंट हो गया ठीक है जो हमने इंटीजर पास किया था वो प्रिंट हो गया सही so, है एकदम बढ़िया ठीक है अब थोड़ा सा डिफरेंट काम करके देखते हैं ओके लेट्स क्रिएट ए नवर फंक्शन इंक्रीमेंट पॉइंटर ज्यादा ना इंक्रीमेंट फंक्शन देखा था फंक्शंस पढ़ते हुए जब इंक्रीमेंट फंक्शन में आता है एक सिमिलर so, से एक फंक्शन बनाने की कोशिश करूंगा जो एक पॉइंटर इनपुट लेता है पी को पी प्लस वन करता है बस नाउ माई क्वेश्चन इज नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज इफ आई कॉल इंक्रीमेंट पॉइंटर एंड पास इट पी पास करने से पहले पी को प्रिंट करते हैं एंड वापस आने के बाद पी को दोबारा प्रिंट करता है चेंज होगा या नहीं होगा यू नीड टू आंसर दिस चाहे दो मिनट के लिए वीडियो को रोक के यहीं पे पहले बारे में सोचो होगा प्रिंट के नहीं होगा सो so, हो कह रहा है यहां बेसिकली so, हमारे मेन के अंदर एक पी नाम का पॉइंटर है मैंने इंक्रीमेंट पॉइंटर कॉल किया कैसे होता है पास बाय वैल्यू होता है सो so, वहां पर एक नया P बना यहां पे P क्या था एक I तुमने बनाया हुआ था एंड P हैड एड्रेस ऑफ दिस लेट्स से दिस वाज 790 I की वैल्यू 790 था, सो so, इस P के अंदर भी 790 कॉपी हो गया यहां भी 790 था यहां पे भी 790 कॉपी हो गया अब तुमने बोला P इज इक्वल्स टू P प्लस वन तो ये वाला जो P है ये 794 हो जाएगा बिल्कुल जैसे इंटीजर चेंज नहीं हो रहा था ऐसे ही हमारा पॉइंटर चेंज नहीं होने वाला है बिकॉज हमने हमारा जो पॉइंटर था उसकी कॉपी बना के यहाँ पे भेज दिया है हमारे पास सेवन नाइनटी लिखा हुआ था हमने इसकी कॉपी बनाई और इसको हमने सेवन नाइनटी दे दिया देखो इट्स लाइक थिंकिंग एड्रेस था ना सोच के देखो मेरे पास एक चिट है जिसपे कहीं का एड्रेस लिखा हुआ है ठीक है मैंने उस चिट की कॉपी बनाई तुम्हें वो दे दिया हम दोनों के पास सेम जगह का एड्रेस है अब तुमने अपनी चिट पे चेंज कर लिया कुछ मेरी चिट पे तो चेंज नहीं हुआ ना एक फिजिकल चिट मेरे पास है मैंने उसकी कॉपी बनाई तुम्हें दे दी तुमने अपनी पे चेंज कर लिया मेरी चिट तो वैसी की वैसी है मेरा पॉइंटर चेंज नहीं होगा सो बेसिकली वेर आई एम गोइंग टू रन दिस पी की वैल्यू पहले और बाद में एग्जैक्टली exactly सेम होगी उस फंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो so पहले भी एग्जैक्टली exactly यही थी और बाद में भी एग्जैक्टली exactly यही थी ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हम पास बाय वैल्यू करते हैं जैसा हमने फंक्शंस के टाइम पे पढ़ा था ओके, okay. ठीक है एक और फंक्शन बनाते है अब बताना इंक्रीमेंट नाम रखते हैं इसका सिर्फ इट गेट्स अ पॉइंटर हम स्टार पी प्लस प्लस कर देते हैं स्टार पी प्लस प्लस सो so, मैं पॉइंटर को चेंज नहीं कर रहा हूं ये पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है उसको चेंज कर रहा हूं स्टार पी ठीक डी रेफरेंस कर रहा हूं ओके सो पी तो चेंज हो नहीं रहा इसके अंदर तो एक काम करते हैं स्टार पी को प्रिंट करके देखते हैं फिर उसके बाद इंक्रीमेंट कॉल कर देते हैं पी पास कर देते हैं फिर से स्टार पी प्रिंट करके देखते हैं फिर से दो मिनट के लिए वीडियो को रोको और मुझे बताओ आंसर क्या होगा ठीक है बताओ मुझे आंसर क्या होगा देखो इस केस में क्या हो रहा है ये मेन है ये मेरा इंक्रीमेंट फंक्शन है यहां पे मेरे पास एक पी है सेवन नाइन्टी लिखा है सेवन नाइन्टी क्या है एक इंटीजर मैंने बनाया है सेवन नाइन्टी उसका एड्रेस है इंक्रीमेंट ने इसकी कॉपी बनाई और सेवन नाइन्टी कॉपी कर लिया अब वो कहता है यार चलो सेवन नाइन्टी चलते हैं और जाके चेंज कर देते हैं वो सेवन नाइन्टी जाएगा और चेंज करेगा तो चेंज तो मेरा ही आई एड्रेस तो वही है यहां पे दस लिखा था अब यहां से आया इसने ग्यारह कर दिया उसने मेरा वैल्यूबल चेंज कर दिया मेरी वैल्यू चेंज हो गई अब ये चिट वाली एनालॉजी देखते हैं मैंने तुम्हें बोला ये एड्रेस है वहां पे तुम चले जाओ मैंने तुम्हें कॉपी बना के दे दी अब तुम अपनी कॉपी में चेंज करोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बट तुमने क्या किया तुम उस एड्रेस पे गए तुमने उस एड्रेस पे जाके कुछ चेंज कर दिया अब अगर मैं सेम एड्रेस पे जाऊंगा तो मुझे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे ना मान लो मैंने तुम्हें बताया यार ये एड्रेस है इस एड्रेस पे थाउजेंड रुपीज रखे होंगे तुम गए उस एड्रेस पे तुमने वो थाउजेंड रुपीज उठा लिया है अब मैं जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेंगे ना बिकॉज हम दोनों के पास सेम एड्रेस था एग्जैक्टली exactly ऐसे ही दोनों पी के पास सेम एड्रेस है कहीं से भी जाके चेंज करोगे चेंज हो जाएगा सो so, इस केस के अंदर बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग पी आई एम चेंजिंग द वैल्यू पॉइंटेड बाय पी इंक्रीमेंट हो जाएगा सो so, पहले की पी की वैल्यू दस थी स्टार पी की वैल्यू दस थी बाद में वैल्यू ग्यारह हो जाएगी सो द इंक्रीमेंट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज वट इज गेटिंग पास बाय वैल्यू द एड्रेस इज गेटिंग पास बाय वैल्यू एंड आई एम यूजिंग दैट एड्रेस टू एक्चुअल गेट टू दोकेशन और वहां जाके मैं चेंज कर देता हूँ ओके ग्रेट सो आई होप ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है बहुत ज़रूरी चीज़ है समझ में आनी चाहिए ठीक है आई होप ये क्लियर हो गया है सो so, फटाफट से अब हमने देखा हुआ है वैसे देखते हैं फंक्शन एंड एरेज कैसे वर्क करते हैं हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क सो मेरे पास एक एरे है लेट्स से लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि मेरे को सम कैलकुलेट करके जाता है तो so, मैंने ए दे दिया और मैंने उसको साइज दे दिया आई होप यू रिमेंबर साइज देना पड़ता है है ना एरेस पढ़ते देखा था, था ना साइज देना पड़ता है हमें फंक्शन के अंदर so, मैंने यहां पे एक अलग से फंक्शन बनाया सम आया एरे बोला और मैंने बोला मुझे साइज बता दो यह थोड़ा सा फ्रॉड है जो हमने लिखा है ऐसा नहीं होता एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब तुमने ये चल जाएगा ये ऐसा नहीं है बोल रहा चलेगा नहीं और तो थोड़ा सा फर्क है इसमें जब तुम ये एरे भेज रहे हो ना पता क्या हो रहा है यहां पर ये एज अ पॉइंटर जा रहा है ऊपर ये एज अ एरे जा ही नहीं रहा ये एज अ पॉइंटर जा रहा है अगर तुम्हें याद हो हमने ये भी देखा था ऊपर जाके आठ बाइट आती है साइज ऑफ जब हम करते हैं तो फोर्टी नहीं ये फोर्टी नहीं आएगा यहां पे साइज ऑफ करोगे फोर्टी आएगा ऊपर जाके साइज ऑफ करोगे तो आठ आएगा ठीक है किसी को याद नहीं है तो मैं फटाफट से करके दिखा देता हूं जैसे ही मैंने एरे बनाया मैं अगर सी आउट करूं साइज ऑफ ए एंड मैं ऊपर भी सी आउट करूं साइज ऑफ ए अभी के लिए रिटर्न जीरो कर देते हैं so, सो दोनों जगह पे मैंने साइज ऑफ ए प्रिंट किया नीचे वो एरे है चालीस आंसर आएगा बट जब तुम इसको ऊपर पास कर रहे हो ये एरे नहीं है ये इफेक्टिवली पॉइंटर है ठीक है और हमारा साइज ऑफ एट बताएगा वार्निंग दे रहा है छोड़ देते हैं वार्निंग यही दे रहा है कि उम्मीद मत करना एरे का साइज आएगा पॉइंटर का साइज आएगा तो so, जब हम इसको रन करते हैं तो नीचे फोर्टी आ रहा है ऊपर एट आ रहा है बिकॉज वो एक्चुअली एज अ पॉइंटर ही पास हो रहा है एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट लाइक दिस यार पॉइंटर दे, दे। जब मुझे पता ही है वो पॉइंटर की तरह ही पास हो रहा है तो मैं उसको बिल्कुल पॉइंटर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ एंड तुम ये वाला सिंटेक्स पॉइंटर पे भी यूज कर सकते हो क्योंकि वो इसको कन्वर्ट इसी में करेगा तो एक पॉइंटर के आगे भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऐसे यूज कर सकता हूं एग्जैक्टली exactly वैसे ही वर्क करता है सो so, अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा शुरू में एक आंसर ले, ले लेते हैं जिसको जीरो से स्टार्ट करते हैं आंसर प्लस इक्वल ए ऑफ आई सो मैं इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ जैसे ये पॉइंटर को मैं बिल्कुल वैसे बिहेव करा सकता हूँ जैसे कि वो एरे है क्योंकि मुझे पता है पॉइंटर तुमने दिया है बट एक्चुअली एरे सारे के सारे एलिमेंट अपने मैं ऐड कर सकता हूँ सो so, मैं एआई पे अपना लूप चला रहा हूँ और आंसर ला रहा हूँ ठीक है सो ऑब्वियसली इसका कोई सेंस नहीं है अभी क्योंकि ये तो गार्बेज टेन एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके दे देगा मुझे और मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा ठीक है सो गार्बेज दस एलिमेंट थे उसने मुझे उनका सम करके दे दिया जो भी गार्बेज दस एलिमेंट थे उसने उसका मुझे सम करके दे दिया ठीक है ग्रेट सो दैट्स ग्रेट सो हम एरेज को पास कर सकते हैं एंड जब हम एरेज को पास कर रहे हैं तो वो इफेक्टिवली पॉइंटर की तरह ही पास हो रहे हैं दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली यू नो वन इंटरेस्टिंग थिंग यू कैन डू बिकॉज ऑफ दिस इज यू कैन एक्चुअली पास पार्ट ऑफ एन एरे द फंक्शन एज वेल अब इसका क्या मतलब है मेरा जो एक एरे था जिसमें दस एलिमेंट थे मैं दस नहीं बना रहा दस एलिमेंट थे ये ए वॉज इफेक्टिवलीस ऑफ ए जीरो पॉइंटर नहीं है एरे डिफरेंट ए प्लस थ्री क्या है ए प्लस थ्री इज बेसिकली एड्रेस ऑफ द थर्ड एलिमेंट सो आई एम पासिंग दिस और इस पॉइंटर के अंदर थर्ड वाले का एड्रेस आ जाएगा मैंने साइज भी उसको कम दे दिया तो अब वो सिर्फ इन साथ का सम लेके आ जाएगा सो so, तुम पार्ट ऑफ एन एरे फंक्शन में पास कर सकते हो क्यों कर सकते हैं देखो जब एरे पास कर रहा हूं तो पॉइंटर की तरह जा रहा है तो मैं अगर ए भेज पा रहा हूं तो मैं ए प्लस टू भी भेज सकता हूं जब मैं ए प्लस टू भेज रहा हूं तो इफेक्टिवली मैं क्या कर रहा हूं मैं जीरो और वन को इग्नोर कर रहा हूं मैं रिमेनिंग एरे को पास कर रहा हूं सो आई एम एबल टू पास पार्ट ऑफ एन एरे टू माई फंक्शन ओके okay? सो so, इस सेशन में हमने क्या क्या देखा है बहुत आसान चीज़ें थी कुछ भी खास नहीं था हमने पहली चीज़ तो ये देखी हम पॉइंटर को फंक्शन में पास कर सकते हैं चला जाएगा ऊपर दूसरी चीज़ हमने क्या देखी हम जैसे ही ऊपर पास कर रहे हैं ठीक है पॉइंटर को अपने फंक्शन में एरे को हम बेसिकली पॉइंटर को पास कर सकते हैं अगर हम एरे को पास करने की कोशिश करते हैं तो वो एज अ पॉइंटर ही पास होता है ठीक है ऊपर वो इफेक्टली पॉइंटर की तरह बिहेव करता है एंड द थर्ड थिंग इज़ न पास पार्ट ऑफ एन एरे पूरा एरे भेजनी जरूरत है पार्ट ऑफ एन एरे भेज सकते हो बाई ए प्लस थ्री भेज दिया ए प्लस फाइव भेज दिया तो वो कुछ एलिमेंट्स को इग्नोर करके बाकी भेज देता है इफेक्टिवली हमारे ठीक है ग्राइट थैंक यू